हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं पुरनिश सिन्हा आपको ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो हमारा नया टॉपिक का जो डिस्कशन होगा वो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम लोग पहले मैं ट्रांसफॉर्मर के एमसीक्यू स्टार्ट करूँगा, जिसमें पूरे बेसिक्स का डिस्कशन होगा। पूरा बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मर में, इसके जो कि मैक्सिमम एग्जामिनेशन जैसे PGCIL RRB जैसे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, जिसके हम लोग थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, प्लस न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में भी हम लोग बात करने वाले हैं, कन्फिग्रेशन स्टार डेल्टा ओपन डेल्टा एंड जितने भी क्वेश्चन होते हैं PGCIL और SSC JEE बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग MCQ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बेसिक्स से हमारा चलेगा ये, और लगभग ये मुझे लगता है कि बेसिक्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, और साथ में पैरेलल में मैं थ्योरी भी डिस्कस करवाते रहूँगा आप लोगों को, तीन चार टॉपिक का ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे लिखा है। सो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसफॉर्मर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पहला है क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट When AC supply is given to the transformer, the flux will depend on. So flux की बारे में बात हो रहा है। Flux किस पर depend करता है, current, voltage, frequency या both voltage and frequency? So हमारा EMF का एक formula होता है जो हम लोग transformer में देखते हैं, 4.44 F∅N means ये formula हम लोग EMF equation का एक formula है हमारा जो transformer में हम लोग use करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, एसी सप्लाई इज गिवन टू द ट्रांसफॉर्मर, फ्लक्स विल डिपेंड ऑन। फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, हमारा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है एंड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। सो आंसर इसका क्या होगा है फ्रेंड्स, ऑप्शन 4। साथ में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है हमने, उसको आप अपने बाद में रीड आउट करने के लिए उसको देख भी सकते हैं, और साथ में मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए ट्रांसफॉर्मर हमिंग साउंड ऑकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए ऑयल, लोड, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होगा। हमिंग साउंड जो होता है ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण होता है। बट फ्रेंड्स, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन होता क्या है। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में आ गई हम लोग, इसमें सॉल्यूशन मैंने अच्छे से डिटेल में मैंने इसे रेफरेंस बुक से लेके आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में हम लोग डिटेलिंग करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मर बना होता है फेराइट से। फेराइट मीन्स जो हम लोग फेराइट यूज़ करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के यूज़ के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका हम लोग कोर में यूज़ करते हैं, हम लोग फेराइट मेटल को मैग्नेटिक एज मैग्नेटिक मेटल हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो जब कभी भी हमारा EMF या चेंज इन फ्लक्स होता है, E=-N×d∅dt हमारा EMF का फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मर में। ओके, सो तो इसका हमारा अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरी जो मैंने लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। ये आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, E=-N×d∅dt और ये फेराइट्स यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मेटल हम लोग यूज़ होता है। सो ड्यू टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक डोमेन्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मेटल कंटिन्यूसली चेंज। मतलब जब कभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मर में चेंज इन फ्लक्स होता है तो मैग्नेटिक डोमेन जो होता है फेरोमैग्नेटिक मीन्स फेराइट्स का जो मैग्नेटिक डोमेन्स होता है वो चेंज होते रहता है, मीन्स उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। तो उस फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चेंजेस हो रहा है उसके डोमेन्स में, उसके डायपोल्स में, उसके शेप्स में, यानी फेराइट्स यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के शेप्स में। तो हमारा ये प्रोसेस क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। उसके कारण हमारा क्या होता है, हमिंग नॉइज आता है, क्योंकि उसके जो भी उसके अंदर जो शीट्स होती है, लैमिनेटेड शीट्स लगी हुई रहती है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में, उसमें वेरिएशंस आ जाता है, उसमें शेप में चेंज आ जाता है, उसके कारण लॉसेस हो जाती है, उसी कारण हमारा ये हमिंग नॉइज आता है। ड्यू टू दिस द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द ईच लैमिनेटेड चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू जिट सप्लाई फ्रीक्वेंसी हैंड क्रिएट्स ए हमिंग साउंड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एज कंपेयर्ड द ट्रांसफॉर्मर विद एसी मशीन्स, इट इज़ मोर एफिशिएंट।
जब हम लोग ट्रांसफार्मर को एसी मशीन से अगर कंपेयर करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। व्हाई व्हाई दिस हैपन्स? बिकॉज क्योंकि ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉसेस, ट्रांसफार्मर हमारा जो है एक स्टैटिक डिवाइस है, ये हमारा एक मतलब एक स्थिर वाली डिवाइस है, इसमें कोई मोमेंट नहीं होता है, तो मोमेंट नहीं होगा तो मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, सो इट हैज़ मोर एफिशिएंसी देन एसी मशीन। एसी मशीन में क्या होता है, रोटर लगा हुआ रहता है, और रोटर वो बार बार मूव करता, मूव होने से वेयरिंग एंड टेयरिंग होता है, उसके कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस होते हैं। इसके कारण हम लोग, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हम लोग का, इट विल नॉट हैव, और इट विल नॉट हैव मैकेनिकल लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पैरामीटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन से हम बात करने वाले हैं, मतलब एन टू बाई एन वन हम लोग बोलते हैं, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू विच इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू बाई वी वन। मीन्स जो कभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब ये होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, करेंट इन प्राइमरी, करेंट इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम लोग बात करें, व्हाट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन, मीन्स टर्न्स चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज नहीं हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है हमारे ट्रांसफॉर्मर में। एंड इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमारे ट्रांसफॉर्मर में पावर भी चेंज नहीं होता है, पावर सेम होता है हमारे ट्रांसफॉर्मर में, जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी एंड पावर दोनों सेम होता है। ओके नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स आर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ्स क्या होता है, या वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ऑप्शन आंसर म्यूचुअली, इसका आंसर होगा सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मींस जब कभी भी हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेल्फ होता है कि म्यूचुअल होता है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं ये। तो हम लोग ईएमएफ में अभी बताया था, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी होता है। ओके डी फाइव बाई डी टी होता है, तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, मीन्स फ्लक्स चेंज हो रहा है। चेंजिंग फ्लक्स इन द कोर ड्यू टू प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग करंट इज लिंक्ड विथ बोथ द वाइंडिंग्स, मीन्स जो हमारा चेंजिंग जो फ्लक्स ये जो वैरी कर रहा है ये लिंक करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को लिंक करता है। मीन्स प्राइमरी को ही लिंक कर रहा है, सप्लाई सबसे पहला सप्लाई हमारा प्राइमरी में जा रहा है, मीन्स वो प्राइमरी को पहले लिंक कर रहा है। मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड काउंटर ईएमएफ होगा प्राइमरी में लेंस लॉ के हिसाब से, और यही जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे सेकेंडरी में वही ईएमएफ इंड्यूस करता है। इंड्यूस मीन्स म्यूचुअली इंड्यूस करता है, तो हमारा दो ईएमएफ इसमें आ गए, प्राइमरी के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया और सेकेंडरी के लिए म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। सो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन थर्ड होगा, सेल्फ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। द इनपुट पावर अंडर नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा इनपुट नो लोड कंडीशन पे हमारा लॉस कौन सा लॉस होता है, नो लोड कंडीशन पे हमारा जो लॉसेस होता है ट्रांसफॉर्मर में वो कोर लॉस होता है। और कोर लॉस मीन्स जो हम लोग इनिशियली जो वोल्टेज वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं उसके कारण जो लॉसेस होता है, जो जो कोर के कारण जो लॉस होता है, कोर मीन्स कोर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस होते हैं एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, एक एडी करंट लॉसेस होता है। इसके बारे में डिटेल में आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आप इतना जान लीजिए कोर लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट, दोनों को जब जोड़ देते हैं ये दोनों जोड़ के कोर लॉस को बोला जाता है। और जो कॉपर लॉस जो होता है वो मेनली वाइंडिंग में होता है और वो करंट आई स्क्वायर आर बोलते हैं इसको, लॉस आई स्क्वायर आर बोलते हैं, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो करंट जो फ्लो कर रहा है, आई इज़ द करंट दैट फ्लोज थ्रू द वाइंडिंग एंड आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। मीन्स जब हम लोग नो लोड कंडीशन में हमारा लॉस कोर लॉस बहुत ज़्यादा है, कंसिस्ट ऑफ कोर लॉस ज़्यादा होता है और जो कॉपर लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है, तभी हम लोग उसको काउंट नहीं करते, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट में, बहुत ही लॉस अमाउंट में होता है। तो इसका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द कॉइल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर प्लेस्ड
कंसेंट्रिकली टू अचीव, मीन्स कंसेंट्रिकली मीन्स क्या बनने का मतलब ये होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी कंसेंट्रेटली मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं यूज़ करते हम लोग, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड होता है, एक ही जगह पे कंसेंट्रेट रहता है। क्यों? वाइंडिंग को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अगर वाइंडिंग को अगर हम दूर दूर में रखेंगे या उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जो लीकेज फ्लक्स होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। और कंसेंट्रेट करने का रीज़न यही है, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। हमारा जो लीकेज फ्लक्स है, अगर हम लोग मान लीजिए दो वाइंडिंग को अगर हम लोग दूर दूर रहते हैं रखते हैं तो लीकेज फ्लक्स बहुत ज़्यादा होगा, ओके। और अगर पास पास रखते हैं, कॉन्सेंट्रिकली रखते हैं, तो लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रॉपर फ्लो करेगा और वहाँ पे कोई लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं होता है। आइए हम लोग देखते हैं लीकेज फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लीकेज फ्लक्स मीन्स, लीकेज फ्लक्स का एक्चुअली बात होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। लीकेज फ्लक्स मीन्स लीकेज फ्लक्स खुद के वाइंडिंग से भी वो लिंक करेगा, साथ में सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगा, दोनों को लिंक करेगा। मीन्स एक कंसेंट्रिकली वो लिंक नहीं कर पाता है, वो एक दूसरे दोनों वाइंडिंग से वो लिंक करेगा, उसके कारण हमारा एफिशिएंसी नहीं आती है ट्रांसफ़र की। आइए थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नीचे हम लोग आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग मैंने बहुत अच्छे फॉर्म में दिया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। पहला क्या है, इफ़ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर केप्ट सेपरेट एंड वाइडली स्पेस्ड, अगर इसको हम लोग प्रॉपरली सेपरेट रखते हैं और स्पेस रखेंगे, देर विल बी मच रूम फॉर लीकेज फ्लक्स। मैं जैसे बात किया था, अगर दूर दूर रखेंगे और सेपरेट रखेंगे, वाइडली स्प्रेड रखेंगे, तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और लीकेज फ्लक्स, लीकेज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुड बी एलिमिनेटेड इफ़ द वाइंडिंग्स वुड बी कुड बी मेड टू ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। दिस इज ऑफकोर्स फिजिकली इम्पॉसिबल बट एन अप्रॉक्सीमेशन इफ अचीव इफ द कॉयल्स ऑन कॉयल्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी आर प्लेस कॉन्सेंट्रेटली। मीन्स ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग दोनों के जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को ज़्यादा क्लोज नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतना क्लोज रखना है कि मैक्सिमम हम लोग लीकेज फ्लक्स, हमारा मिनिमम लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आयरन लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिटरमाइंड बाय। सो हम लोग आयरन लॉस और कोर लॉस दोनों एक ही होता है, आयरन लॉस कोर लॉस विच इज़ इक्वल टू हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस, ये सब एक ही होता है। तो आयरन लॉस जो होता है हम लोग उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कोर लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कोर लॉस, ओके। और इस ऑप्शन में देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को क्यों कैसे डिटरमाइन करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डिटरमाइन किस लिए करते हैं, कॉपर लॉस के लिए, कॉपर लॉस के लिए डिटरमाइन करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं कॉपर लॉस को निकालने के लिए वाइंडिंग में के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए, इसको हम लोग कोर लॉस के लिए यूज़ करते हैं, कोर लॉस के लिए, कोर लॉस के लिए, ये तुम्हारा आपका हो गया कॉपर लॉस के लिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग स्टील ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक्स हाई यूजिंग स्टील ऑफ यूजिंग स्टील ऑफ हाई सिलिकॉन कंटेंट एंड वेरी थिन लैमिनेशन ओनली हाई सिलिकॉन कंटेंट। मींस हम लोग का कहने का मतलब ये हो गया कि जो नो लोड लॉस होता है, हम लोग उसको मीन्स कोर लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कोर लॉस कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, नो लोड लॉस में कौन सा लॉस होता है, नो लोड में कौन सा लॉस होता है, कोर लॉस होता है, तो कोर लॉस कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाई सिलिकॉन कंटेंट एंड वेरी थिन लैमिनेशन। तो सिलिकॉन कंटेंट जो होता है नो लोड में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से बात किया है। द नो लोड लॉस इन ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, जो अभी पहले बात किया कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट से कंसिस्ट करता है, देन हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग हाई कंटेंट ऑफ सिलिकॉन इन स्टील एंड एडी करंट लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेशन ऑफ थिन लैमिनेशन। मीन्स हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर में हाई सिलिकॉन कंटेंट यूज़ करते हैं किसके लिए, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस मीन्स कोर लॉस मीन्स नो लोड लॉस, और एडी करंट लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, थिन लैमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील, मतलब छोटा छोटा लैमिनेशन का सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे छोटा लैमिनेट करते हैं सिलिकॉन स्टील को, किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस के लिए। और सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, स्टील क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एडी करंट, ये हमारा नो लोड लॉस मीन्स कोर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स व्हेन, मैक्सिमम एफिशिएंसी का हमारा कंडीशन होता है कि एक हमारा जो आयरन लॉस है, आयरन जो लॉस होता है वो हमारा कॉपर लॉस के बराबर हो जाता है, यही हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन होता है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी में क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी में हमारा ये जो आयरन लॉस होता है
मतलब यही मतलब मेन मेन इक्वेशन तो यही है हमारा। और जो आयरन जो होता है ना, आयरन लॉस जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट लॉस होता है, और कॉपर लॉस जो होता है वेरिएबल लॉस होता है। ओके, क्योंकि ये डिपेंड ऑन द बाइंडिंग, डिपेंडिंग डिपेंड किस पे करता है, करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए वेरिएबल लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। जब कभी भी पैरेलल ऑपरेशन हम लोग ट्रांसफार्मर का करते हैं, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसके पोलैरिटी जो होती है वो सेम होनी चाहिए। दो ट्रांसफार्मर की जो पैरेलल ऑपरेशन जो होता है, पोलैरिटी पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोलैरिटी सेम होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा। दूसरा पॉइंट, परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। परसेंटेज जो इंपेडेंस होता है ट्रांसफार्मर का वो हमेशा सेम होना चाहिए। ओके, थर्ड वोल्टेज रेशियो, दोनों का वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए। ओके, उसमें वेरिएशन नहीं होने चाहिए। और दूसरा, ये तीन हमारा मेन कंडीशंस है। ओके, और जो हमारा, तो इसमें एम्वीए रेटिंग मस्ट भी सेम। ये ज़रूरी नहीं कि जो दो ट्रांसफार्मर जो हम लोग पैरेलल ऑपरेट करते हैं वो हमारा एम्वीए रेटिंग उसकी सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकती, कम या ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे ये जो तीन कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए। सो इसका ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर विल। मीन्स अगर हम लोग, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एन टू बाई एन वन इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू विच इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारे कांस्टेंट रहती है ओके ट्रांसफार्मर में, लेकिन इसमें बोला जा रहा है और इसका डिपेंडेंस, और इसे बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी को अगर वैरी कर देंगे तो वोल्टेज पे क्या अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका आंसर इट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट फ्रेंड आते हैं। इन 132 के वी 33 के वी ट्रांसफार्मर द एल वी रजिस्टेंस इज, मीन्स लो वोल्टेज रजिस्टेंस इज इतना लॉ। जैसा कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है ओके, ये एच वी है, ये एल वी है, तो इसमें ये 132 के वी है, ये 33 के वी है, इसमें जो लॉ रजिस्ट, इसकी वैल्यू जो होती है, इस इधर की जो वैल्यू है वो 0.02 वैल्यू है। ओके, द रजिस्टेंस रेफर टू द एच वी साइड क्या होगा, मीन्स ये पर यूनिट में वैल्यू दी हुई है, पर यूनिट में वैल्यू दी हुई है। ओके, पर यूनिट की वैल्यू पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पर यूनिट सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, पर यूनिट सिस्टम का जो फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, पर यूनिट सिस्टम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट में दिया हुआ है तो प्राइमरी रहे या सेकेंडरी रहे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर एल वी साइड में पर यूनिट में दिया है, एल वी साइड इन पर यूनिट इज इक्वल टू एच वी साइड इन पर यूनिट इन ए ट्रांसफार्मर। ओके, मीन्स इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पर यूनिट में अगर रेजिस्टेंस हमारी है तो वो पर यूनिट में ही रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं रहता। अगर ये रेजिस्टेंस में रहती तो हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो का, टर्न्स रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा के उसको वेरी करते। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे कंडीशंस में, अगर हमारा क्वेश्चंस में दिया रहता 0.02 पर यूनिट दिया रहता, तो हम लोग के 0.02 पर यूनिट, 0.02 सॉरी 0.02 ओम दिया रहता, तो क्या करते हम लोग इसको अलग में ट्रांसफार्मर रेशियो को अप्लाई करके वैरी करते। तो इसको मैं अगर अलग से इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, आराम से बताऊँगा इसको, थ्योरी के साथ मैं डिस्कस करूँगा। अभी पर यूनिट का कॉन्सेप्ट इसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन ए ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। हम लोग जब कभी भी एल वी एल शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट करते हैं, तो हम लोग शॉर्ट किधर करते हैं, शॉर्ट हमारा एल वी साइड हमारा शॉर्ट होता है, एल वी शॉर्ट करते हैं। ओके, और इसमें ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट में हम लोग एच वी साइड को ओपन करते हैं। ओके, तो एल वी को शॉर्ट करते हैं शॉर्ट सर्किट में, तो एच वी साइड में काम करेंगे, और ओपन सर्किट में एच वी को ओपन करते हैं तो हम लोग एल वी साइड में काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना डिस्कशन, 14 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। ये 14 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे इसका, और इसका बहुत सारे बेसिस का बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा डाउट्स होते हैं, ताकि हम लोग उस पर भी वीडियोज़ बना सकें। और जिस क्वेश्चन में डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, और डाउट्स भी भेज सकते हैं अपने लिंक में। सो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू। Bye-bye.
तुम तो सो लेना।